मंदिर कहाँ श्री है मंदिर? गोपाल गौलोक धाम गौशाला कैंप वाला चंडीगढ़, और सारी जगह है यहाँ गौ पे। गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी की संस्था के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अभी बिल्कुल शाम का वक्त, जब मुझे गाय एक ही जगह पर ये बाड़े में नजर आ रही है, देखो कई बद्री गायें भी मुझे यहाँ पर नजर आई। जब मैं पंजाब का दौरा कर रहा हूँ, अक्सर बहुत कम जगहें मुझे नजर आई जहाँ पर बद्री गाय हैं, लेकिन इस आश्रम में यानी आदरणीय प्रसिद्ध कथा वक्ता एवं गौ गंगा कृपा कांक्षी जिनका लगातार अभियान रहा है गौ माता को रास माता घोषित कराने के लिए, लगातार साथ ही साथ धीनु मानस की रचना पूरे देश में, शायद गुरु जी ने मानव समाज को और हिंदू समाज को सनातन धर्म के लोगों को प्रेरित किया है, यहाँ तक कि तमाम धर्मों के अलावा विदेशों में भी आज की डेट में गायों के शोध को लेकर के और गौ माताओं को लेकर के शायद पूरी भक्तिमय नजर आती है। और यही कारण है कि जब मेरी टीम वहाँ का दौरा कर रही है उस गौ बाड़े पर, एकांत यानी चंडीगढ़ से लगभग, चंडीगढ़ से मुश्किल से 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर कैंप वाला ये जगह पड़ती है जहाँ पर गौशालाएँ हैं, और अभी शाम के वक्त सारी गौ माताएँ एकत्रित हो जाती हैं एक ही बाड़े में। यहाँ कई यानी 100 से ज़्यादा नंदी भी हैं यहाँ पर, और क्योंकि बाईं तरफ सफाई चलती है और उसके बाद जब इनको बाड़े से आती हैं तो अपने आप अपने बाड़े में पहुँच जाती हैं, जिसमें छोटे छोटे बछड़े 4 महीने के और इसके अलावा 8 महीने के, 1 साल के, बड़ी गाय गौ दूध देने वाली, इस तरीके से अलग अलग रखी जाती हैं। फिलहाल एक ही जगह पर मुझे नज़र आ रही हैं लगभग 400 से ज़्यादा गाय बताई जाती यहाँ पर अभी हैं। सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज पंजाब कैंप वाला मोहाली से गोपाल गौलोक धाम पर मेरी विशेष कवरेज, गोपाल गोधाम में गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी का ये तमाम फोटो आश्रम कहाँ से कहाँ आ गए। और ये है रसोई, गोपाल गौलोक धाम श्री गोपाल गौलोक धाम गौशाला कैंप वाला चंडीगढ़ पंजाब में गौ कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी गौशाला। और इस तरीके से चला एक बाड़े से दूसरे बाड़े में गौ माताओं को भेजा जाता है। तो अभी कितनी देर में वापस लाएंगे आप? अभी सारी गायों को मिला देते हैं इस टाइम, हैं? सबको मिला देते हैं क्या? हैं? क्या? अच्छा, तब अपने आप अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये है मिल गई, फिर अपने आप अलग हो जाएंगे। अच्छा, शाम को ये सब अपने आप, और ये है चिट्टी अलग मिलेगी। अच्छा, एक साथ ये देखिए, ये है गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी गौशाला कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी के श्री गोपाल गौलोक धाम गौशाला कैंप वाला में ये गाय तमाम, अक्सर कई मुझे बद्री गाय भी नज़र आ रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य, शाम का समय, अभी गायों को बाहर यानी अपने बाड़े से बाहर की ओर कभी कभी बताया जा रहा जंगल में भी ले जाया जाता है। ये देखिए हंड्रेड से ज़्यादा नंदी गाय भी यहाँ पर हैं, बीमार। कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी के श्री गोपाल गोलोक धाम गौशाला कैंप वाला यूटी चंडीगढ़।
दौरा करें मेरी टीम आज। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का। और ये है गौ माता, राष्ट्र माता आह्वान, यानी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए लगातार गुरु जी के कई सालों से अभियान। और ये है गौशालाएं जहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा गाय यहाँ पर अभी हैं वर्तमान में। और ये है गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी का गोपाल गौलोक धाम का कार्यालय। दोस्तों तो मुझे नौटियाल जी, आपका पूरा नाम क्या है? प्रियांशु नौटियाल जी। कहाँ के रहने वाले नौटियाल जी आप? जी उत्तरकाशी यमुनोत्री के रहने वाले। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं, 12 महीने यहाँ पर सेवा देते हैं? जी जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? जी 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ। चलिए, सम्मान लगता है यहाँ गौ माता की सेवा में। जी, बराबर। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर जो शेड्यूल है गौ माताओं के शरणांगत में रह करके? दही दूध मट्ठा घी तमाम चीज़ तो मिलती हैं, गौमूत्र लेके तमाम गौ सेवा का आनंद लेते हैं, कुछ बोलेंगे आप इसको लेकर के? जी जी जी, गौ माता है जी, वह हमारी राष्ट्र माता, जैसे हम राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम, राष्ट्रगीत है राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक ये है, वैसे ही हमारी राष्ट्र माता कामधेनु गौ माता है, जो हमको दूध आदि इत्यादि। तो आप यहाँ पर क्या काम करते, क्या पोस्ट है आपकी, क्या आप यहाँ ऑफिस सब देखते हैं आप? मैंने जी, हम मंदिर की सेवा भी करते हैं जी, और यहाँ कार्यालय भी आप देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सेवा के लिए। ये थे नौटियाल जी, गंगा कृपा कांक्षी कथा वक्ता गोपाल मणि जी के गौलोक गोपाल धाम पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो कवरेज। और ये छोटे बछड़े वो जो लगभग 4 महीना के लगभग के हैं, उनके लिए अलग बाड़ा बनाया गया है। दिखाता हूँ आप पूरी आस क्या है यहाँ पर गौशाला में व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात, कई बद्री गाय भी मुझे नजर आई। यदि मैं बद्री गाय की बात करूँ, देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ी गाय भी बोला जाता है, पहाड़ों में पाई जाने वाली गाय, जो कि बहुत छोटे साइज की होती है, हालांकि दूध बहुत कम देती हैं, वो भी मुझे कई गाय नज़र आई यहाँ पर। बद्री गाय बहुत ही पौष्टिक होता है, उसका दूध निरोग्य बनाता है, तमाम चीज़ों की और जानकारी। कृपा कांक्षी श्री गोपाल गौलोक धाम पंजाब कैम्बवाला में है ये गोपाल गौलोक धाम, गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी के सानिध्य में चलती है गौशाला। ये देखिए इस तरीके से। और शायद यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, अभी भी गुरु जी का लगातार अभियान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए बहरहाल लगातार प्रयास जारी है। और शायद 2004 में जो गुरु जी के द्वारा लगभग जो उस टाइम कथा की गई थी, धीनु मानस की उनके द्वारा रचना की गई है, और शायद आज की डेट में तमाम जगह पर गौ के महात्म्य को बताने का सभी कथा वक्ताओं के द्वारा कथाओं में सुनने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं शायद गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी को श्रेय जाता है आज। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर लगातार आते हैं और देखभाल करते हैं, क्या बोलेंगे आप गुरु जी के द्वारा जो वास्तविक ही अभी भी जो अभियान है वो जारी है, क्या इसका समय आएगा कभी जब राष्ट्र माता को दर्जा मिलेगा गौ माता को, और कितना समय लगना, भी क्या लग रहा आपको? धन्यवाद बहुगुणा जी, आपका स्वागत है गोपाल गोलोक धाम कैम्बवाला समिति की तरफ से, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम आपका, बड़ी खुशी हुई आपको मिलके। तो आप आज गोधाम में आए हैं, बहुत खुशी, जैसा कि आप कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव द्वारा संचालित गोपाल गोलोक धाम चंडीगढ़ में, पूज्य गुरुदेव जी का जो सपना, मैं कहूँगा कि यहाँ पे निरंतर हमारी जो ये गोधाम है, देसी गाय, और चंडीगढ़ से सटा हुआ ये बिल्कुल 3 किलोमीटर यहाँ पे चंडीगढ़ में पड़ती है, 3 किलोमीटर यहाँ पे झील, जो चंडीगढ़ का मैं कहूँगा ताज, यहाँ पे VIP सेक्टर हमारे जो चंडीगढ़ के झील के साथ लगते हुए सारे सेक्टर, सचिवालय है यहाँ पे हरियाणा पंजाब का, उससे सटी हुई हमारी गोधाम है। और बहुत ही यहाँ पे सब देसी नस्ल की गाय, और जैसा कि आप कह रहे थे कि गौ माता राष्ट्र माता का जो दो अभियान चल रहा है, कि जैसा आपने देखा 2014 में, 2016 में, 2018 में पूज्य गुरुदेव द्वारा दिल्ली रामलीला मैदान पे गौ माता राष्ट्र माता का जो अभियान
चल रहा है, तो उसमें अगले साल 2023 को गोपाष्टमी के दिन 20 नवंबर को फिर इसमें गुरुदेव के, आजकल जो आपने देखा निरंतर उसकी तैयारी हमारी चल रही है, तो यहाँ पे नित्य दो टाइम। टोटल लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ आज की डेट की बात करूँ? हाँ बोगना जी, गाय यहाँ पे लगभग 400 से नंदी भी हैं अलग, नंदी साला अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारा लास्ट वाला वो नंदी साला है, 100 के लगभग वहाँ पे नंदी है, जो नंदी अलग रखते हैं हम, बाकी डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया। दूध देने वाली काफी गायें हैं। हाँ, ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सब दूध वाली गायें हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। देखिए आज मेरी चंडीगढ़ कैंप वाला से सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज गौ लोक गौधाम पर। चंडीगढ़ के दौरा करे मेरी टीम आज, और जब मैं चंडीगढ़ पीजीआई के नजदीक से गुजरे मेरी गाड़ी, और स्कूल का अभी शायद बच्चों का छुट्टी का टाइमिंग है, बहुत भीड़ भड़ाका और कई लड़कियां मुझे साइकिल में नजर आ रही हैं। शायद प्रशासन को चाहिए कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बैरिकेड लगा देना चाहिए ताकि कोई और ना आए और इस तरीके से रोड जाम ना हो, स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस तरीके से लड़कियां साइकिल पैदल जा रही हैं, तो यदि व्यवस्था होगी तो शायद असुविधा नहीं होगी। खास तौर पर हजारों लड़के मुझे नजर आ रही साइकिल में, आपको दिक्कत नहीं होती साइकिल में? ऐसे में पैदल चलने में भीड़ होती है जब। गौ कृपा कांक्षी और एवं गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी का गौलोक धाम कैंप वाला पंजाब, पंजाब कैंप वाला में है ये गोपाल गौलोक धाम गौ गंगा कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी के सानिध्य में चलती है गौशाला। ये देखिए इस तरीके से, और शायद यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, अभी भी गुरु जी का लगातार अभियान गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए बहरहाल लगातार प्रयास जारी है, और शायद 2004 में जो गुरु जी के द्वारा लगभग जो उस टाइम कथा की गई थी धीनु मानस की, उनके द्वारा रचना की गई है, और शायद आज की डेट में तमाम जगह पर गौ के महात्म्य को बताने का सभी कथा वक्ताओं के द्वारा कथाओं में सुनने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं शायद गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी को श्रेय जाता है आज। जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर लगातार आते हैं और देखभाल करते हैं, क्या बोलेंगे आप गुरु जी के द्वारा जो वास्तविक ही अभी भी जो अभियान है वो जारी है, क्या इसका समय आएगा कभी जब राष्ट्र माता को दर्जा मिलेगा गौ माता को, और कितना समय लगना भी क्या लग रहा आपको? धन्यवाद बबुणा जी, आपका स्वागत है गोपाल गोलोक धाम कैंप वाला समिति की तरफ से, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम आपका, बड़ी खुशी हुई आपको मिलके, तो आप आज गोधाम में आए हैं, बहुत खुशी। जैसा कि आप कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव द्वारा संचालित गोपाल गोलोक धाम चंडीगढ़ में, पूज्य गुरुदेव जी का जो सपना, मैं कहूँगा कि यहाँ पे निरंतर हमारी जो ये गोधाम है देसी गाय, और चंडीगढ़ से सटा हुआ ये बिल्कुल 3 किलोमीटर यहाँ पे चंडीगढ़ में पड़ती है, 3 किलोमीटर यहाँ पे झील, जो चंडीगढ़ का मैं कहूँगा ताज, यहाँ पे वीआईपी सेक्टर हमारे जो चंडीगढ़ के झील के साथ लगते हुए सारे सेक्टर, सचिवालय है यहाँ पे हरियाणा पंजाब का, उससे सटी हुई हमारी गोधाम है, और बहुत ही यहाँ पे सब देसी नस्ल की गाय, और जैसा कि आप कह रहे थे कि गौ माता राष्ट्रमाता का जो दो अभियान चल रहा है, कि जैसा आपने देखा 2014 में, 2016 में, 2018 में पूज्य गुरुदेव द्वारा दिल्ली रामलीला मैदान पे गौ माता राष्ट्रमाता का जो अभियान चल रहा है, तो उसमें अगले साल 2023 को गोपाष्टमी के दिन 20 नवंबर को फिर इसमें गुरुदेव के, आजकल जो आपने देखा निरंतर उसकी तैयारी हमारी चल रही है, तो यहाँ पे नित्य दो टाइम। टोटल लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ आज की डेट की बात करूँ? हाँ बबुणा जी, गाय यहाँ पे लगभग 400 से नंदी भी हैं अलग, नंदी साला अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारा लास्ट वाला
वो नंदीशाला है, 100 के लगभग वहाँ पे नंदी हैं, जो नंदी अलग रखते हैं हम, बाकी डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे अलग अलग बनाया। दूध देने वाली काफी गायें हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सब दूध वाली गायें हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। देखिए आज मेरी चंडीगढ़ कैंप वाला से सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज गौ लोक गौधाम पर।